वैसे इस पूरी वीडियो में स्टोरी तो मेरी है, बट मैं एक्सप्लेन करते हुए ये मानूंगा कि सब कुछ आपके साथ हो रहा है, ताकि मैं अपने थॉट्स आपके ब्रेन में डाल सकूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फेस से, जो कहता है द चेंज बिगिंस। ओके, इमेजिन कीजिए कि आप 18 साल के होते हैं और अभी अभी आपने 12th पास की है। 12th में कुछ खास मार्क्स तो आपके आए नहीं, बस 50% लेके आप पास हुए हैं। घर वाले नाराज हैं, दुनिया आपको डफर समझ रही है, लेकिन आपको पता है कि आपने एफर्ट किया ही नहीं था और आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। एनीवेज, आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, जहां पर आप सीरियस हैं कि इस बार आप अच्छे से मेहनत करेंगे, एकेडमिक्स में भी आप अच्छा करेंगे और साथ में बाकी चीजों में भी नॉलेज गेन करेंगे। आपको पता है कि अगर आप किसी भी फील्ड में अच्छा होना चाहते हैं तो आप उनसे सीखेंगे जो उस फील्ड के बेस्ट हैं। अब कोई बेस्ट फेमस इंसान तो आपको सिखाएगा नहीं, इसलिए आप दूसरा सलूशन अपनाते हैं, आप उनकी बुक्स पढ़ते हैं। कई बुक्स आप अपने कॉलेज की लाइब्रेरी से लेते हैं और जो लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है आप उन्हें खरीद लेते हैं। आप बेसिक बुक से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच एक्सेट्रा। इन बुक्स से आप समझ जाते हैं कि अगर फाइनेंशियली स्टेबल होना है तो सेविंग्स तो करनी ही पड़ेंगी, लेकिन उन सेविंग्स से एसेट्स बनाने पड़ेंगे जिससे आपके पैसे भी काम करते रहें। फेज 2, ट्राइंग न्यू थिंग्स। इस वक्त पर आपको अपनी एकेडमिक्स भी पसंद आने लगती है और साथ में आप हसल भी कर रहे हो, नई नई चीजें ट्राई कर रहे हो, जैसे कि आप अपना नया यूट्यूब चैनल खोलते हो, उसमें अपने कॉलेज की चीजों को आसान करके एक्सप्लेन करते हो। इस पर आपके बहुत से कॉलेज फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, प्रोफेसर बनेगा क्या। सब आप पर हंसते हैं, लेकिन आपको पता है कि आप डिफरेंट हो, इसलिए आप अपना काम करते रहते हो और चीजों को एंजॉय करते हो। YouTube में वीडियो डालने से आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज नहीं आता, लेकिन आपको ये चीज पसंद है और आप इसकी परवाह नहीं करते। आप सिर्फ वो कर रहे हो जो आपको अच्छा लगता है, और ऐसे ही हसल करते करते आपका कॉलेज खत्म हो जाता है। आपने कॉलेज में थोड़े अच्छे से पढ़ाई करी थी, इसीलिए मास्टर्स के लिए आपका एग्जाम क्रैक हो जाता है और फाइनली स्कॉलरशिप के साथ आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हो। आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, इसलिए आप वही करने लग जाते हो। आप 3-3 गवर्नमेंट एग्जाम्स भी क्लियर करते हो और इवन क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर भी बनते हो, जो आपके पेरेंट्स हमेशा से चाहते थे। वो खुश होते हैं और आपको अपना 12th का रिजल्ट भी याद आता है, जब सब सोच रहे थे कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओ, लेकिन अब सबको लग रहा है कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया। आपने एग्जाम्स तो क्लियर कर दिए, पर आप ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो। आपको लगता है कि आपको लाइफ में कुछ डिफरेंट करना है, कुछ फ्रीडम चाहिए आपको, इसलिए आप जॉब छोड़ देते हो। घर वाले दोबारा से नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रमोशंस लेके आप रिटायर होते होते बहुत अच्छी पोजीशन में होते, आप हमेशा सिक्योर होते, बट एनीवेज जॉब तो आप छोड़ देते हो और बाकी काम में लग जाते हो। फेज 3, मार्केट टाइमिंग। ओके, तो अब जियो का टाइम आ चुका है। इंडिया में 4G बहुत फेमस हो रहा है, लोग लंबी लंबी लाइंस में खड़े हैं और जियो का सिम ले रहे हैं। न्यूज में बहुत बार छप रहा है कि इंटरनेट इंडिया में पेनिट्रेट कर जाएगा, ऑलमोस्ट 70 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट होगा और हमारा देश बदलेगा। फिर आप एक और पैटर्न नोटिस करते हो, जो भी लोग हिंदी में कंटेंट बना रहे हैं वो लोग काफी ग्रो कर रहे हैं। आपने बुक्स पर बहुत से इंग्लिश चैनल्स देखे हैं और आपको पता है कि आप उनसे अच्छा काम कर सकते हो, इसलिए साइड बाय साइड आप अपने पुराने चैनल में अपने फ्री टाइम में कंटेंट बनाना शुरू कर देते हो। चैनल जल्दी ग्रो भी हो जाता है, लेकिन आप बाकी कामों में बिजी हो। पर जब ग्रोथ बढ़ जाती है तो आप रेगुलरली वीडियो डालना स्टार्ट कर देते हो। आपको लगता है कि हाँ, शायद ये भी फ्रीडम है, इसीलिए यहाँ मार्केट ने आपको अपनी पहली अपॉर्चुनिटी दी कि आपकी बुक्स पढ़ने की स्किल आज मार्केट में वैल्यूएबल है। फेज 4, मार्केट गिव्स अनदर अपॉर्चुनिटी। कोरोना मार्केट क्रैश, टाइम टू यूज सम नॉलेज। अपने फ्री टाइम में आपने इन्वेस्टमेंट की बुक्स भी पढ़ी थी और जब कोरोना के टाइम में मार्केट गिरी तो आप उस थ्योरी को याद करते हो कि यार इस टाइम पर सारे इन्वेस्टर्स ने कहा था कि इन्वेस्ट करो, सब कुछ सस्ते प्राइस पर मिल रहा है। बट प्रॉब्लम यह है कि आपने पहले से किसी भी कंपनी की एनालिसिस नहीं कर रखी, इसलिए ये नहीं पता कि पैसे इन्वेस्ट करें किस कंपनी में। अगर आप कंपनी के एनालिसिस अब करते हैं तो हो सकता है कि डिले हो जाए और ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाए। लेकिन आपको अपनी बुक से एक और लर्निंग्स पता है कि इंडेक्स फंड्स में आपको एनालिसिस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस सिंपल बफेट इंडिकेटर का फॉर्मूला यूज करो और आप बता सकते हो कि मार्केट सस्ती है या महंगी। तो आप नेट में जाके मार्केट कैप और जीडीपी का रेशियो लेते हो और इससे आपको पता चल जाता है कि मार्केट बहुत सस्ती है, और फिर आप इंडेक्स फंड्स में अपनी काफी सेविंग्स इन्वेस्ट कर देते हो और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी सजेस्ट करते हो। कई फ्रेंड्स और रिलेटिव्स उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं और कई नहीं करते, बट एनीवेज आपने अपने अकॉर्डिंग जितनी हेल्प हो सकती थी कर दी। ये सारी थ्योरी काम करती है और विद इन 1 ईयर आपके पैसे ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं, लेकिन आपका कोई इरादा नहीं है इन पैसों को निकालने का, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म थिंकर हो, आपने सोच रखा है कि ये रिटायरमेंट में काम आएंगे। फेज 5, निगलेक्टिंग इन्वेस्टमेंट सजेशंस दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड। ओके, तो एक बार आपका बेस्ट फ्रेंड आपको कॉल करता है और कहता है कि यार ये नया क्रिप्टो आया है डोज कॉइन, ये बहुत इंक्रीज करने वाला है क्योंकि इसे इलॉन मस्क सपोर्ट कर रहा है। आपने भी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो को स्टडी किया हुआ है, इसलिए आपको इस कॉइन पर ज्यादा विश्वास नहीं है। आप अपने फ्रेंड को मना कर देते हो कि इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे ऑलरेडी डोज कॉइन में विश्वास हो गया है क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है। एनीवेज आप सजेशन नहीं मानते क्योंकि आपने बहुत से एक्सपीरियंस्ड लोगों से समझा है कि अगर आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट पर पूरा विश्वास नहीं है तो उसमें इन्वेस्ट मत करो, लेकिन आपका फ्रेंड नहीं मानता और कुछ टाइम के बाद उसे बहुत लॉस होता है।
फेज 6 कैन सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम। आपको पता है कि अकेले आप ज्यादा बुक्स की नॉलेज नहीं दे सकते, क्योंकि हर इंसान की एक लिमिट है। आपको लगता है कि आप एक टीम बना सकते हो और बहुत से लोगों के लिए बहुत सारी बुक्स भी ला सकते हो, क्योंकि बहुत बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जिनको कभी भी हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया गया। इसलिए आप अपने कोडर फ्रेंड को ऐप बनवाने के लिए बोलते हो, उसमें आप एक एक करके समरीज डालते हो और साथ में एक फॉर्मूला बनाते हो जिससे आप बुक की समरी की अच्छी क्वालिटी दे सको। इन समरीज को आप 2 साल तक फ्री रखते हो, लेकिन अचानक एक बार आपके कोडर फ्रेंड से एक गलती हो जाती है और एक बार क्लाउड सर्वर का बिल बहुत ज्यादा आ जाता है। आपको पता है कि अगर फ्यूचर में ऐसे दोबारा हुआ तो ये ऐप नहीं चल पड़ेगी। आप थोड़े से स्ट्रेस भी हो क्योंकि ये आपकी क्रिएशन है, इसलिए आप डिसाइड करते हो कि आपको इस ऐप को सस्टेन रखने के लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल लाना ही पड़ेगा। लेकिन जो हर हफ्ते आप एक बुक समरीज लाते हो, आप उसे कंटिन्यू रखते हो। बहुत से इन्वेस्टर्स आपको अप्रोच भी करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपको इसकी जरूरत नहीं है। कई लोग आपको सक्सेसफुल समझ रहे हैं या आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं या एप्लीकेशन में मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स हैं, बट आप समझदार हो। आपको पता है कि इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रांजिशन है। आप अपने को हीरो नहीं मानते और वैल्यू देना कंटिन्यू रखते हो, क्योंकि अगर आपको अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखनी है तो आपको एक मजदूर सोच रखनी पड़ेगी। यानी जिस तरीके से एक मजदूर हर रोज जीरो से स्टार्ट करता है, उसे पता है कि अगर आज उसने काम नहीं किया तो वो और उसके परिवार वालों को खाना नहीं मिलेगा। आप भी इसी सोच को अडॉप्ट करते हो और फाइनेंशियली स्टेबल होने के बावजूद आप अपने लाइफस्टाइल को उतने प्रोपोर्शन से इंक्रीज नहीं करते, क्योंकि गोल पैसा बनाना नहीं है बल्कि अच्छी लाइफ जीना है। फेज 8 अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि पैसों की तो इसमें बात ही नहीं हुई, हमें तो एक फॉर्मूला चाहिए था पैसे कमाने, ये क्या है। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर हम किसी भी स्टोरी को वहां से स्टार्ट करें जहां से उसे सक्सेस मिली थी, तो वो एक अधूरी स्टोरी है, क्योंकि आप वहीं से सोचना स्टार्ट करोगे। लेकिन आपको जो अभी प्रॉब्लम आ रही है आप उसको वैल्यू नहीं दोगे और नई चीजें नहीं सीखोगे। बट फिर भी मैं इसे स्टेप्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। स्टेप 1, वर्किंग ऑन हैबिट। अगर आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए तो डिसिप्लिन इज नंबर 1। फ्री टाइम में हमें अपनी स्किल्स पर काम करते रहना है, जैसे कि नई बुक्स से सीखो, सक्सेसफुल लोगों के पॉडकास्ट सुनो, हमेशा नई चीजों के लिए क्यूरियस रहो और फ्यूचर में जियो, यानी प्रिडिक्ट करते रहो कि फ्यूचर में हमारे देश में क्या होने वाला है। हर चेंज में एक अपॉर्चुनिटी पक्की है। स्टेप 2, बिलीव इन द प्रोसेस। अगर आप ठीक डायरेक्शन में जा रहे हो तो चलते रहो, स्पीड मैटर नहीं करती। 100 किलोमीटर पर आवर की जगह अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर भी जाओगे तो भी आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हो। अगर आपके फ्रेंड्स बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये बकवास बुक्स क्यों पढ़ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कभी ना कभी ये नॉलेज तो हेल्प करेगी ही, इसलिए अपने प्रोसेस पर बिलीव करो। स्टेप 3, अंडरस्टैंडिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी। अगर हम नई चीजें लर्न कर रहे हैं तो मार्केट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती रहेगी। नई अपॉर्चुनिटी जरूरी नहीं कि जियो के 5G लॉन्च में आए या फिर नई मार्केट क्रैश में आए। इन मार्केट पैटर्न्स को समझना हमारी जिम्मेदारी है और वो तभी होगा अगर हम अपनी लर्निंग्स को कंटिन्यू रखेंगे। स्टेप 4, एक्ट व्हेन द अपॉर्चुनिटी कम्स। नॉलेज तो आपने ले ली है, लेकिन बिना एग्जीक्यूशन के ये कुछ भी नहीं। इसलिए जब भी आप कन्विंस्ड हो कि आपने ये अपॉर्चुनिटी को ट्रैक कर लिया है तो बस एक्ट करो। टू बी ऑनेस्ट, आजकल पैसे कमाना उतना डिफिकल्ट नहीं है। सोशल मीडिया 4-5 सालों में हम सबको रोडपति से करोड़पति बना सकता है। एग्जांपल्स मार्केट में बहुत से हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला हो जो आज इंडिया की 101st यूनिकॉर्न है और जिसकी वैल्यूएशन 7500 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि इनकी जर्नी तब स्टार्ट हुई थी जब वो अपने स्ट्रगल में भी सीख रहे थे, इसलिए वी हैव टू डू द सेम। विंग्स ऑफ फायर बुक में कलाम सर बोलते हैं, फॉर ऑल द डेज प्रिपेयर एंड ट्रीट देम एवर अलाइव, व्हेन यू आर द एनविल बियर, व्हेन यू आर द हैमल स्ट्राइक। और ये लाइंस इस वीडियो को बहुत अच्छे से समराइज करती है। इसकी पहली लाइन है, फॉर ऑल द डेज प्रिपेयर, यानी हर दिन प्रिपेयर करते रहो, नया सीखते रहो। एंड ट्रीट देम एवर अलाइक, यानी हर दिन को सेम समझो, मुश्किलें आ रही हैं या अच्छे दिन हैं, बस प्रिपरेशन मत छोड़ो। व्हेन यू आर द एनविल बियर, एनविल वो लोहे के टुकड़े को बोलते हैं जिसके ऊपर लोहार मेटल को गर्म करके हथौड़े मारता है। यानी इस लाइन का मतलब है कि जब तुम्हारी सिचुएशन उस लोहे के टुकड़े की तरह है जहाँ पर तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेशर है, लोग हथौड़े मार रहे हैं, उसके बावजूद बियर करते रहो, सहन करते रहो, क्योंकि एक दिन आपके पास भी अपॉर्चुनिटी आएगी। और फाइनल लाइन है, व्हेन यू आर द हैमर स्ट्राइक, यानी जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले और आपको मौका मिले तो आप हैमर बन के स्ट्राइक करो, यानी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो। आई रियली होप कि ये वीडियो आपको बहुत वैल्यूएबल लगेगी। वैसे इस बुक समरी ऐप का लिंक हमने फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हो, और अगर कोई भी इंप्रूवमेंट है, फीडबैक है, तो आप हमें कह सकते हो। एनीवेज दोस्तों, अगर आप इस नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं।